बूंदी की सदर थाना पुलिस ने गणेशपुरा गांव में पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाते 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 3 लुटेरे अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। थाना प्रभारी संदीप शर्मा के अनुसार 15 अगस्त की रात को गणेशपुरा गांव के पास कुछ लुटेरों द्वारा लूट की योजना बनाने के संबंध में सूचना मिली थी, जिस पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए लूट की योजना बना रहे 8 लुटेरों में से 5 को पकड़कर हिरासत में लिया। शेष 3 लुटेरे अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनको थाने लाकर गहनता से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उन्होंने गणेशपुरा पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात करने की बात कही, जिस पर 5ों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। दिनांक 15 को रात को हमारे सब इंस्पेक्टर श्री बाबूलाल जी को सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक पेट्रोल पंप लूटने के लिए एकत्र होकर योजना बना रहे हैं और गणेशपुरा पेट्रोल पंप को लूटने की कार्रवाई कर सकते हैं, आप तुरंत कार्रवाई करें। इस पर हमारे जो पुलिस की टीम थी उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पहुंचे और उनको डिटेन करने के लिए दबे पांव उनके पास पहुंचे तो एक खेत में बनी हुई टपरी के अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे एवं पेट्रोल पंप लूटने के लिए आपस में बातें कर रहे थे। उनकी संख्या लगभग 8-9 आदमी थे, जिनमें से हमारी टीम ने 5 व्यक्तियों को पकड़ा, जिनमें से एक कपिल मीणा जो बहादुरपुरा का निवासी है, जिस पर 3 मुकदमे हैं, दूसरा आसू जिस पर 4 मुकदमे पूर्व से हैं, एक राकेश और त्रिलोक, ये दोनों कोतवाली के हिस्ट्री शीटर हैं, जिन पर एक पे 22 मुकदमे और एक पर 16 मुकदमे हैं। 3 व्यक्ति रात का अंधेरा होने के कारण और भागने में सफल हो गए, जिनकी हम लोग तलाश कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। इन 5ों व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है।